नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम 8 तारीख को पड़ा हुआ है, 8 अक्टूबर को पड़ा हुआ है। आप लोग बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही मन लगा के चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार हम जीआरएफ क्वालिफाई कर जाएं। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं ताकि लास्ट मोमेंट में आपको किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए ताकि आप जीआरएफ के लिए सिलेक्ट हों। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और मेरे अनुभव से अगर फायदा आपको मिले तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है नेट वाला, उसके दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन होगा, सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स के। जो पहला पेपर है वो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, दूसरा 100 क्वेश्चन है 2 नंबर के, 200 नंबर के। तो कुल मिला के यहां पे 100 नंबर और यहां पे 200 नंबर, 300 मार्क्स के हुए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको चाहिए 108 नंबर के आसपास, मतलब 107-8-9 नंबर के आसपास चाहिए, मतलब 216 नंबर आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए 216 का मतलब है 72%। 72% का मतलब है कि अगर आप इसमें 75-76 करते हो इकोनॉमिक्स में, तब आपको जीएस में 32-35 के बीच में करना होगा, तब आप जीआरएफ के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। मेरी पूरी स्ट्रेटजी में जीआरएफ के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो भी सिर्फ अच्छे से एक साल से लगा हुआ है उसका नेट निकल ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है जीआरएफ की। नेट अगर आपने मन लगा के एक साल अच्छे से स्टडी किया है पीजी पास आउट करने के बाद, या पीजी में ही तैयारी शुरू कर दी है, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप एक बार सिलेबस को पढ़ लिए हो और क्वेश्चन पेपर को एक दो बार सॉल्व कर लिए हो, थोड़ा सा माइंड आपका अच्छा है तो आप नेट निकाल लेंगे। पूरी की पूरी बात हम करते हैं जीआरएफ के ऊपर कि किस तरीके से, क्योंकि नेट में मान के चलता हूं कि आप नेट तो निकाल ही लोगे, इतना कैलिबर आप में है, और अगर कैलिबर कम भी है तो नेट निकालना बहुत आसान है, सिर्फ आप पढ़ के थोड़ा सा परिश्रम करके निकाल सकते हो। देखो, अगर जीआरएफ की बात हम करें कि किस तरीके से आपको यहां पे 108 मार्क्स कैसे लाया जाए जीआरएफ के लिए, 72% की यहां बात हो रही है, मतलब 75-76 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में कैसे करें। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, किस तरीके से आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जीआरएफ निकालना एक आर्ट है, एक कला है। एक्चुअली जीआरएफ को सिर्फ आप पढ़ के नहीं क्वालिफाई कर सकते। इवन मैं इस बात को मानता हूं कि आप सिर्फ पढ़ के नेट निकाल सकते हो, नो डाउट, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटजी बेटर होनी चाहिए जीआरएफ के लिए। पहली स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जब आपके पास समय 10 दिन का बचा हुआ, आपको क्या करना चाहिए? पहला चीज, आप मैक्सिमम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, जितने मैक्सिमम सॉल्व कर लो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप पिछले 2012 से लेकर 2022 तक के 10 साल के पेपर आप सॉल्व कर दो इन 10 दिनों में, तो इससे सीधे सीधे आउट ऑफ 100 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। और अगर आप उसी क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन ढूंढने जाओगे तो कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछे गए। इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से। कई बार मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, रैंडम करते हैं, छलांग लगा के करते हैं, गैलोपिंग ऑर्डर में करते हैं। यह ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस से उठाइए, टाइम देखिए, अपने घड़ी में टाइमर लगा के उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हुआ कि पहला 2012 में किए 10 क्वेश्चन, फिर 2016 के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि आपका स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है। नो नो नो, ये गलत स्ट्रेटजी है। प्रत्येक साल के पेपर को आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक पेपर को टाइमर लगा के उतने ही समय में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको फंस गया, लाइक एग्जांपल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको एक प्रश्न आया कि जो
लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग है, उसमें इनकम इफेक्ट ज्यादा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है और आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो दोस्त तुरंत किताब उठाइए और तुरंत इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए और एक माइक्रो नोट्स बना लीजिए कि जब लेबर सप्लाई कर्व जब आप बनाओगे और लेबर सप्लाई कर्व आपको ये मिल गया कि इस तरह का लेबर सप्लाई कर्व है और आपने यहां से यहां देख लिया कि इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, तो आप इस चीज को तुरंत नोट डाउट करेंगे, तुरंत नोट करेंगे और तुरंत एक क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट तरीके से यहां रख लेंगे अपने नोटबुक में। इसी तरीके से आपने इंसिडेंस ऑफ टेक्स्ट पे देखा, किसी भी टॉपिक पे आपने देखा, जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं तुरंत लिखिए, माइक्रो नोट्स बनाइए, उसको रखिए, वो आपका होगा, वो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कॉप डॉक्टर्स प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन पूछे उसको तुरंत देखिए। तो अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, रिवर्सल होनी चाहिए, पेपर से क्वेश्चन को पढ़ो फिर बुक के पास जाओ और बुक में जाके देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है और किस तरीके से इस पे कई तरह के क्वेश्चन से निकाल के पूछे गए। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले 10 दिन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आप देखते हो ये जब MCQ टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना दोस्त, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन एरर होता है, सबसे ज्यादा ह्यूमन एरर होता है MCQ टाइप के क्वेश्चन पे। जब मैं UPSC का एग्जाम देता था तो मैं हमेशा इस चीज को सोचता था कि इतने आसान क्वेश्चन प्रीलिम्स में गलत होते हैं बट इतने टफ क्वेश्चन मेन्स में कभी गलत नहीं होते। इसका रीजन है सबसे ज्यादा MCQ टाइप के क्वेश्चंस में ही ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि आपकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है उससे तेजी से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है, आप लॉ ऑफ इनर्शिया में रहते हो, माइंड को लगता है कि अभी वो पहले क्वेश्चन पे है, आप दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, थोड़ी सी जो ये गैप है ना वो क्वेश्चन को गलत करा देती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से देखा जाए, वो जो 3 घंटे हैं आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज नॉट करेक्ट, तो नॉट के ऊपर टिक मार लो बेटा पेन से कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। अगर कोई पैसेज पूछा गया है ना तो पैसेज को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके चीजों को समझो, क्योंकि कई बार आप बड़े ही सिली मिस्टेक करके आते हो, 1 नंबर 2 नंबर से JRF चूक जाते हो। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मैं आपके साथ हूं, सिर्फ आप ये समझो कि किस तरीके से आप अपना बेटर कर सकते हो। आपको बेटर करने के लिए वो 3 घंटे बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ बिताना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको MCQ के क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त आप जो है प्रीवियस, अगर आप आजकल NTA का पैटर्न पकड़ने चलो तो इसके पैटर्न बड़े अजीबोगरीब हैं। करंट 2 साल पहले के पूछा गया है, रिसेंट करंट पूछा ही नहीं गया है, कई बार इनका फोर्स ज्यादा जो assertions रीजन पे, आप देखोगे बड़े डाइवर्सफाइड टाइप के चीजें ये दे रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे UPSC में होता रहा पिछले, अगर आप पिछले सालों में आप देखोगे तो UPSC का जो ये रैंडम ट्रेंड था उसको पकड़ना आसान नहीं था। इसी तरह NTA का भी ट्रेंड्स कि किस स्ट्रेटजी से ये क्वेश्चन सेट करेंगे आप नहीं बता पाओगे, कई बार आप देखोगे कि बड़े ही फैक्टुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार बड़े ही कॉन्सेप्टुअल। कुल मिलाजुला के इनका मानना है कि आप रटने से ज्यादा फोकस करो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से देखो इकोनॉमिक्स जानना अलग बात है दोस्त और JRF निकालना अलग बात है, वो एक कला है। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो एक आर्ट है, आर्ट तब आएगा जब आप अपने तैयारी को हमेशा जितने टाइप की इनके डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है उसके ऊपर परखो, उसके ऊपर जानो। लास्ट मोमेंट पे आपको थोड़े से इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, बजट के ऊपर, गवर्नमेंट के जो प्लान्स आए हैं प्रीवियस ईयर उसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप SN लाल साहब के इन पोर्शन को जो कि डिफरेंट कमिटीज से संबंधित है, जैसे KN राज कमेटी किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है कौन सी कमेटी आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए क्या बनाई थी, लैंड रिफॉर्म्स के लिए कौन आई थी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, तो एक जगह दिया हुआ है, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो SN लाल साहब। और जो गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो प्लान्स लेके आ रही है उन प्लान्स को भी आप अच्छे से देख लो। तो इधर आप लोग एक चीज और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लो, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, दोस्तों से भी थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि एक छोटा सा मैसेज आपके 10 दिन को बर्बाद कर देगा और ये वो 10 दिन होंगे ना जो पिछले 2 साल से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सोशल मीडिया को बंद कर दो, एक छोटा सा मैसेज आपको हर्टिंग कर सकता है, आपको हर्ट, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको अनस्टेबल कर सकता है। तो प्लीज मेरे भाई मेरे दोस्त
अनइंस्टॉल तो नहीं कहने को बोल रहा हूं, बट आप उससे दूर हो जाओ, थोड़े से अपने आप को जो है कंसंट्रेट करो। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको समझ में आ रहा होगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी, जो हवा का एक लहर आएगा ना वो आपको सनसना के जाएगा, अंदर तक झिझोर के जाएगा। लेकिन जिनकी तैयारी ऐसे ही है ना, उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनको हवा नहीं आधी भी चलेगा तो उनको ऐसे ही लगेगा। लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है नो डाउट वो इस समय सफ़र कर रहा होगा, वो उसके सामने बड़े चैलेंज होंगे और वो बड़ा नर्वस होगा। तो जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, जितना मैच्योर हो उतना डर लगेगा, ये डर जरूरी है। इसलिए दोस्त ये 10 दिन संजीदगी से जीने का है, जितना रिवाइज करो कर लो, जितने एमसीक्यू सॉल्व करना है कर लो, जितने गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसको देख लो, जितनी कमेटीज है उसको देख लो, नया चीज करने का बहुत ज़्यादा प्रयास मत करो, जो अब तक किए हो उसी के ऊपर फोकस करो, बी कंसंट्रेट जो अब तक किए हो, नया के ऊपर टाइम देने का समय नहीं है। लास्ट मोमेंट में आपको अच्छा करना है उसी के ऊपर अच्छा करिए जो आपकी पावर है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन, आप अच्छा करोगे, आप नो डाउट अच्छा करोगे। फर्स्ट पेपर के लिए भी आप क्वेश्चन पेपर को जितने सॉल्व कर सकते हो करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो पूरी तरीके से बेस है आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसको भी आप इसी स्ट्रेटजी से चलिए और आप अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। 6307374827। भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही लगे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा उसी का होता है जो अच्छा करता है, इसलिए अच्छा करने का प्रयास करो। माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका चरण स्पर्श करते रहिए, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।